हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिमाज लाइफ। और मैं हूँ अनिमा। तो अभी मैं हूँ अस्सी घाट पे, बनारस के अस्सी घाट पे। बहुत ही खूबसूरत अस्सी घाट है, तो चलिए घुमाते हैं आप लोगों को अस्सी घाट, और इसके बारे में बहुत अच्छी सी जानकारी देते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छा है ये वाला अस्सी घाट। और यहाँ पर आप ना वोटिंग वगैरह बहुत कुछ कर सकते हैं। चलिए घूमते हैं बनारस का अस्सी घाट। चलिए सबसे पहले तो करते हैं अस्सी घाट के हनुमान जी के दर्शन। तो अभी ना यहाँ पे कुछ जागरण जैसे चल रहा है, ये घाट संध्या। ये देखिए मेरे पीछे, ये देखिए, तो ये देखिए मेरे पीछे ना घाट संध्या, मतलब भजन वगैरह चल रहे हैं अभी कुछ यहाँ पे। और अभी लाइटिंग वाइटिंग नहीं चली है, जब लाइटिंग वाइटिंग हो जाएगी ना तो सच में घाट बहुत अच्छा लगता है। चलिए तब तक घूमते हैं ऐसे ही घाट पे। देख सकते हैं आप लोग मेरे पीछे गंगा जी हैं, और इतना अच्छा लग रहा है ना, खूबसूरत सा नज़ारा है ये। वोटिंग वगैरह अगर करना चाहते हैं आप लोग ना, तो वोटिंग वगैरह भी कर सकते हैं। कुछ 300 पर आर लेते हैं ये लोग वोटिंग का, तो आप वो सेपरेट नाव ले सकते हैं। और अगर आप शेयरिंग में लेते हैं तो शेयरिंग में शायद 30 या 40 रुपीज़ है, मतलब मुझे क्लियर नहीं, क्योंकि अभी तक मैंने वोटिंग की नहीं है। तो जिस दिन मैं वोटिंग करूंगी तो वो वाला भी नज़ारा आप लोगों को दिखाऊंगी लोगों को। लेकिन हाँ, ऐसे लोग पूछते रहते हैं ना कि वोटिंग करेंगी, नाव पे चलेंगी, ऐसा करके। तो मैंने प्राइस वगैरह पूछा है तो इन लोगों ने बताया है, कुछ अगर सेपरेट नाव लेते हैं आप अपनी तो 300, एंड शेयरिंग में जाते तो 30 या 40 रुपीज़ लेते हैं। तो आपको जो ये 80 घाट का डिस्टेंस है, मतलब टोटल कवर कर लेते हैं 80 घाट का डिस्टेंस, लाइक हरिश्चंद्र घाट से शुरू करते हैं और मणिकर्णिका घाट तक लेके जाते हैं आप लोगों को, तो वो कुछ हो जाता होगा, मतलब 30 मिनट्स या 45 मिनट्स के अंदर ये लोग कवर कर लेते हैं, मतलब इस तरफ से उस तरफ, इस छोर से उस छोर तक लेकर के जाते हैं। तो इस तरह से आप लोगों को वोटिंग भी कराते हैं ये लोग। एंड रियली यार, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा व्यू। एंड अभी ना ये माघ का महीना चल रहा है। माघ का महीना मतलब बहुत ही पवित्र बोला गया है, बहुत अच्छा महीना होता है माघ का। तो इसलिए ना अभी बहुत ज़्यादा भीड़ है, मतलब हर एक गंगा जी के घाट पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, चाहे वो यहाँ का हो, मतलब बनारस का हो, या फिर हरिद्वार का हो। हरिद्वार में तो फिलहाल कुंभ ही लगा हुआ है। काशी ना बहुत ही पवित्र नगरी है, मतलब वाराणसी जिसको बोलते हैं, बहुत ही पवित्र नगरी है। वाराणसी का मतलब ही है वरुणा, और अस्सी दो नदियों से मिलकर के बनी है वाराणसी। तो ऐसे भी लोग आते रहते हैं, और बहुत मतलब एक पर्यटक स्थल है ये, विजिटर प्लेस है, विजिटिंग प्लेस है ये। तो लोग बहुत ज़्यादा आते रहते हैं दर्शन करने के लिए, घूमने के लिए, चाहे वो बाबा विश्वनाथ के हों या फिर गंगा मैया के हों। तो चलिए चलते हैं गंगा जी को बहुत करीब से देखते हैं, चल करके वोट के पास से। Thank you.
के बाजू में है तुलसी घाट, और तुलसी घाट को इसलिए तुलसी घाट कहते हैं कि यहाँ से महर्षि तुलसीदास ने रामायण की शुरुआत की थी। मतलब यहाँ गंगा माँ को प्रणाम किया था और उसके बाद में रामायण का जो पहला चौपाई या पहला जो छंद है वो यहीं से शुरुआत किया था। और अस्सी घाट को अस्सी घाट इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से अस्सी नदी बहती थी और वो यहाँ पर आ करके गंगा में मिलती थी, तो इसलिए इसको अस्सी घाट बोलते हैं। और हाँ, अस्सी घाट के उस तरफ, मतलब जो जैसे हम गंगा पार करते हैं तो मतलब उस तरफ, तो उस तरफ महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना की थी, तो इसलिए इस घाट का महत्व ना बहुत ज़्यादा है। और अभी हो रही थी आरती, आप लोगों ने देख ली होगी यहाँ की आरती बहुत ही अच्छी। और पता, ये ऐसा घाट है मतलब जहाँ पे तीन आरती एक साथ होती है। तो ये था अस्सी घाट की आरती का वीडियो, मतलब अस्सी घाट का पूरा वीडियो। आई होप वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो यार एज़ यूजुअल दिल बड़ा करके रेड वाला बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। तो मिलती हूँ एक और नए वीडियो में नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। और चलिए अब हम भी निकलते हैं घर की तरफ क्योंकि आरती कम्प्लीट हो गई और रात हो गई है, रात कब बज गया है, 8:30।